चली दे हरहित पति संग सिमंतिनी लेकर ये अखंड विश्वास ये महापावन तीर्थ यात्रा पूरन करती सबकी सारे जग में महिमा जिनकी वो तीर्थ है काली माता भक्तों का कष्ट मिटाती है इन्हें तारा भगवती भी कहते रीझे तो सुख बरसाती है सहरसा के सिंहेश्वर मृग रूपी शिव जी के सिंह को विष्णु जी ने यहाँ बसाया। सीता जी की जन्मभूमि ये सीतामढ़ी है इसका नाम। जन्म यहाँ पे जनक दुलारी सबसे पावन है ये धाम। इसी भूमि पर एक समय फल राजा जनक चलाते थे फल राजा जनक चलाते थे। इंद्र देव हो में प्रसन्न सब उनके ही गुण गाते थे। तभी अचानक अटका हल आगे ना बढ़ पाया तिल भर आगे ना बढ़ पाया तिल भर। सीता जी प्रकट हुई तो जनक ने उठा लिया उनको बढ़कर। सिया जन्म की कहे कहानी सीता मढ़ी महान दर्शन कर ले रे इंसान। ये वही जनकपुर धाम जनक ने स्वयंवर जहां रचाया था। शिव धनुष राम ने तोड़ यही सीता जी को अपनाया था। शिव धनुष राम ने तोड़ यही सीता जी को अपनाया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये कपिलेश्वर इसे किया अस्थापित कपिल मुनि ने ज्ञान दिया तो इनकी माने पाया मोक्ष यहीं पे। दरभंगा में ये राज राजेश्वरी मंदिर काली माता का यही किया था प्रभुवर रघुवर ने उद्धार अहिल्या का। पशुपतिनाथ है ये यहाँ भोले शंकर रहते हैं। शिवलिंग यहाँ का पंचमुखी है शक्तिपीठ इसे कहते हैं। मुजफ्फरपुर की ये देवी इनके दर्शन से पाप कटे। ये सिवान की दुर्गा जी जिनकी कृपा से सब अभिशाप मिटे। यहाँ गज और ग्राह का युद्ध हुआ था वही सोनपुर ग्राम है ये। विष्णु और शिव संग बसे हैं हरिहर क्षेत्र का धाम है ये। मुंगेर के सीता
सीता कुंड में फूल चढ़ाने से हो जन्म सफल। भागलपुर के अजगैबीनाथ पवित्र यहाँ का गंगा जल। पटना की ये पटन देवी है शक्ति पीठ ये अति अभिराम। किसी देवी के नाम के कारण पटना बड़ा नगर का नाम। सम्राट अशोक ने बनवाया ये अगम कुआं है कहलाता। शीतला माता भी बसी यहाँ जिनसे जग शीतलता पाता। ये गुरुद्वारा है पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। जिनके दर्शन करने से हो जाता प्राणी का कल्याण। ये गया धाम का तीर्थ जगत में अति पावन है ये धरती। जो पिंड दान यहाँ करें उनके पितरों को मिलती है मुक्ति। बैजू भील द्वारा स्थापित वैद्यनाथ ये धाम अमर। यहाँ सती का हृदय गिरा था शक्ति पीठ ये अति सुंदर। सुकीनाथ नागेश्वर लिंग की भक्ति भरी ये कहानी रे। पड़ा बिहार में अकाल भीषण मिला न दाना पानी रे। यही एक शिव भक्त वासुकी पल पल धरती खोद रहा। शायद खाने को मिल जाए कंद मूल फल खोज रहा। तभी अचानक ठोस अस्त्र अज्ञात लिंग से टकराया। देख रक्त की बहती धारा भक्त बहुत ही घबराया। गूंजी तब आकाश में वाणी बोल उठे शंकर भगवान। इन्हें यही स्थापित कर तो सारे जग का हो कल्याण। इनकी पहली पूजा की थी भक्त वासुकी ने धर ध्यान। इसीलिए इस धाम का नाम पड़ा है वासुकीनाथ महान। बोलो श्री वासुकीनाथ की जय। ये धर्मनाथ मंदिर छपरा में इनकी महिमा परम पार। दिगवारा की ये महामई माता करती कुल का उद्धार। बंगाल का है ये परम तीर्थ ये तारकेश्वर कहलाता है। जो इनके दर्शन कर लेता वो महापुण्य फल पाता है। ये वही काली कर
कलकत्ते वाली, जिसका वचन न जाए खाली, सबकी इच्छा पूरी करती ऐसी माँ ये खप्पर वाली। काली माँ दक्षिणेश्वर की, इन जैसा कोई नहीं दूजा, परमहंस श्री राम कृष्ण ने की थी इनकी ही पूजा। श्री चैतन्य महाप्रभु की है जन्मभूमि नवद्वीप ये हम, इन मन हर मूरत का गौरांग महाप्रभु भी है नाम। शिव शंकर के स्वयं भुलिंग से कटक बन गया तीर्थ महान, इनकी कृपा हो जिस पर पाए रुद्र लोक में वो स्थान। जगन्नाथ पुरी की जय जय, कृष्ण और बलराम की कितनी अनोखी है सुनो महिमा कथा इस धाम की। श्री कृष्ण की रानियों ने मारोहिणी से ये कहा, गोपी प्रेम प्रसंग की हमसे कहें सुंदर कथा। चल रही चर्चा पुरानी कक्ष के अंदर उधर, दे रही पहरा सुभद्रा खड़ी बाहर द्वार पर। बलराम और श्री कृष्ण आ पहुँचे अचानक तब वहीं, लाख पर्दा हो प्रभु से कुछ भी छुप सकता नहीं। याद कर बचपन सुहाना, मुस्कुराए प्रभु जरा, कहा नारद ने प्रभु इस रूप में रहिए सदा, इस रूप में रहिए सदा। तब से यहीं पे तीनों विराज मधुर लिए मुस्कान, दर्शन कर ले रे इंसान।